शर्ट की कटिंग जो कि इस तरह प्रिंटेड है। इस शर्ट की कटिंग करने वेले सब तो पहला जरूरी गल इसका जो इस सेंटर है ये पट्टी का सेंटर इनू अपना शर्ट का सेंटर बनाना है तो इनू ए हिसाब न ही फोल्ड करके बनावे ताकि हाफ पट्टी इस तरफ आए और हाफ पट्टी इस तरफ ऐदा इस तरह दूरा करके हम आप लवेंगे शर्ट की लेंथ जो कि 42 इंच है। इस शर्ट की लेंथ इथों रखी जाऊगी जो कि यह इथों तैयार है तो इतों आप 42.5 लवेंगे सिर्फ अद्धा इंच बद क्योंकि नीचे फोल्ड करने वास्ते अपने को एक्स्ट्रा पट्टी हैगी है तो इतों 42.5 रख के इथे निशानी इदा इस तरह इतों 42.5 इतें हम आप इसकी हिप लवेंगे शर्ट की। सब तो जरूरी पार्ट होंगे शर्ट का हिप जिथों की शर्ट की चढ़ाई रखी जाऊगी तो शर्ट की हिप है 22 इंच तो इसमें आप इस तो 3 इंच वध लवेंगे 22, 23, 24, 25 तो 25 का अद्ध 12.5 इंच तो इनू आप सारा पार्ट 12.5 इंच लवेंगे ऐदा जो कि अपना पूरा ही है 12.5, 12.5 इंच 12.5 इंच तो हम आप इसकी सीधी कटिंग करांगे। हम आप इस बैक पीस की कटिंग करांगे जो कि उस तरह फोल्ड होएगा 12.5 इंच हुण आपां इस शर्ट दे फ्रंट पीस नूं इहदे उपर रखांगे बिल्कुल आ पट्टी नूं आ पट्टी नाल मैच करके ताकि आपां नूं स्टिचिंग करन वारी इह आपां नूं सही रहे कुछ ऐदा। शर्ट की कटिंग करन टाइम शर्ट की लेंथ तो हमेशा 3.5 इंच कपड़ा लेंथ च वध रखना चाहिए और 3 इंच चौड़ाई च कपड़ा वध रखना चाहिए। इस तरह
इधरों फोल्ड करांगे। हुण आपां पावांगे इहदियां काटां। सब तो पहला 6 इंच तीरा और 6.5 इंच ही मोढ़े की लंबाई। एक इथों आप लवेंगे 6 इंच तीरा ते 7 इंच मोढ़े का निशान। इथों 7 इंच फिटिंग का निशान और इथों 7 इंच हिप का निशान। तो सब तो पहला आप छाती का निशान लगावांगे। इस तरह गुलाई ए कटिंग करने वेले खास ध्यान देना है कि ए कटिंग गुलाई इस निशानी दे नाल ना आवे। ये बैक कटिंग इथों आप पावांगे फ्रंट कटिंग एदा। पहला आप चारों पीस की बैक कटिंग करांगे। एदा इथों 1/2 इंच की काट सिर्फ इथों तक। ये चारे पीसा से टक लगा लेना है और उपरले 2 पीस से फ्रंट काट आऊगी। सिर्फ उपरले 2 पीस से ऐदा। इथों आप कमर का निशान लगा लेंगे। इथों आप 3 इंच वद रख लेंगे इनू इथे मैच ते इनू इथे मैच। हुण आपां इसदा कटांगे बैक गले दी कटिंग जो कि इथों 2.5 इंच इस तरह और 7 इंच लंबा। ऐदा टब्बी बना के फिर इसकी गुलाई इस तरह। प्लेट्स के निशान जो कि अपने 10.5 इंच से तैयार ने तो आप इतों 11 इंच से लगावे। ऐदा इतों 3.5 इंच लेंथ 7 इंच और इतों 3.5 इंच इथों लैके जो अपनी एक गुलाई है इस दे हाफ तक 1.5 इंच टेप रखना है। इदा तो इतों 2.5 इंच का निशान दोनों इस तरह भी और इस तरह भी और इतने भी निशान लगाने ए प्लेट्स का भी 2.5 ते निशान इधरों भी 2.5 ते इस साइड तो भी 2.5 इंच। इदा ये प्लेट्स पाऊगी अपनी इथों तक ऐदा और ऐदा।
ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪਲੇਟਸ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆਣਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਉੱਪਰਲੇ ਦੋ 'ਚ ਟੱਕ ਲਗਾ ਲਓ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਿਰਫ ਉੱਪਰਲੇ ਦੋ 'ਚ ਹੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸ਼ਰਟ ਦੀ ਕਟਿੰਗ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸਦੀ ਬਾਜੂ ਦੀ ਕਟਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਦਾ ਵੀ ਸ਼ਰਟ ਵਾਂਗੂ ਇਹ ਪ੍ਰਿੰਟ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਿੰਟ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਚ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਬਲ ਕਰ ਲਓ। ਇੱਥੋਂ ਲਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਬਾਜੂ ਦੀ ਲੈਂਥ ਜੋ ਕਿ 16 ਇੰਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ 16.5 ਇੰਚ ਲਵਾਂਗੇ, ਸਿਰਫ ਅੱਧਾ ਇੰਚ ਵੱਧ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮੋਢਾ ਇਹਦਾ ਜੋੜ ਪਊਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਾਟ ਪਊਗੀ ਇਸਦੀ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਬਾਹਾਂ ਦੀ ਚੌੜਾਈ ਘੱਟ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੋਢਾ 9.5-10 ਇੰਚ ਤਿਆਰ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਜੋ ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਬਾਹਾਂ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਐਕਸਟਰਾ ਬਚਿਆ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇਸਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਿੰਟ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਿੰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਚ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਟਿਚਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮੋਢਾ ਪੂਰਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਇਹ 12.5 ਇੰਚ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਸਿੱਧਾ ਪੀਸ ਉਤਾਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਪਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ 3 ਇੰਚ ਦੀ ਕਾਟ। ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਲਾਈ ਦੇਣੀ ਹੈ ਇੱਦਾਂ। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਰੱਖਾਂਗੇ ਮੂਰੀ। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਮੂਰੀ ਲਵਾਂਗੇ 8 ਇੰਚ, ਔਰ ਇਸਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਦਾਂ। ਹੁਣ ਇਸਦੀ ਆਪਾਂ ਕਾਟ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਪਾਵਾਂਗੇ ਫਰੰਟ ਕਾਟ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣਾ ਮੋਢਾ ਹੈ 10 ਇੰਚ। 10 ਇੰਚ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਲਗਾ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਇਸਦਾ ਹਾਫ ਕਰਾਂਗੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ 5 ਇੰਚ। 5 ਇੰਚ ਤੋਂ 1 ਇੰਚ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਇੱਧਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕਰਾਂਗੇ, ਔਰ ਇਸ ਤਰਫ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕਰਾਂਗੇ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ 4 ਪੀਸ 'ਤੇ ਟੱਕ ਲੱਗਣਗੇ, ਔਰ ਇਹ ਕਾਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉੱਪਰਲੇ 2 ਪੀਸਾਂ 'ਤੇ
दो ये और दो ये, तो इन आप इस तरह काट पावांगे। इस तरह ये अपने हो गया बाजू।